तुम जो कुछ भी इस ट्रायंगल में फिट करोगे उसके पैसे मैं दूंगा। बैठ, चलो चले। मुझे लगता है मुझे इससे शुरुआत करनी होगी। तुम टीवी से शुरू करना चाहते हो? कहाँ रखोगे इसे? हम इसे रख सकते हैं लाइन पर। माय गॉश, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि ये कितना बड़ा ट्रायंगल है। तुम्हें एक और टीवी चाहिए? मैं सिर्फ दो लूंगा, तुम्हें डबल भरना पड़ेगा। ट्रिक ट्रिक, क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि अगर इसने रेड लाइन को छुआ तो ये हार जाएगा। तुमने तो इसे हरा ही दिया था। क्या तुम मुझे हेट करते हो तारिक? क्यों ना हम वो बड़े टीवी यूज करें और तुम उनके ऊपर बहुत कुछ रख सकते हो, है ना? एडम, तुम यहाँ से ले जा सकते हो $1,000,000। क्रिस की बातों में मत आना। मुझे लगा वो बाथरूम था। तुम्हें इसे उठाना होगा। इसे उठाना पड़ेगा। 1, 2, चलो, रख दिया। टीवी रख दिया। हमें उस तरफ से रखवाना होगा। तुम्हारी साइड से थोड़ा उठाओ। Yes, हाँ, इस तरफ। ओके, हो गया, हो गया, हो गया। Yes! हमने अब बनाया है एक टीवी टेबल, ये देखिए। गाइस, हम रख सकते हैं 85 इंच के ऊपर और बना सकते हैं डबल टेबल। अब इस टीवी टेबल के ऊपर एक और टीवी टेबल बनाना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। ये होने के तो जीरो चांसेस है। ओहो, तुमने इसे ऑलमोस्ट छू लिया था। ध्यान से, ठीक है। 1, 2, 3 ओके, ठीक है, चलो पकड़े रहो। आराम से, धीरे से, धीरे से, नहीं होगा। ओके, पता नहीं कैसे पर ये हो गया। क्या बात है, ये नाइस, नाइस। ये बॉक्सेस झुकने लगे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। जरा ध्यान से। मुझे लगता है अब मुझे रुकना चाहिए। ये ट्रायंगल बनाते वक्त मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना सब कुछ फिट कर लेगा। एडम ने $23,000 से ज्यादा का सामान इस ट्रायंगल में फिट किया है, जो सिर्फ एक फ्रैक्शन है दूसरों के मुकाबले जो इस वीडियो में जीतने वाले हैं। ये क्रेजी होने वाला है। ये है एक पार्किंग लॉट, मजाक कर रहा था। ये है एक बड़ा सा रेड ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में तुम जो कुछ भी फिट करोगे उसके पैसे मैं दूंगा। मेरे पीछे आओ। मुझे यकीन है तुम चाहो तो ये पूरा सैम्स क्लब उस ट्रायंगल में फिट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा। हमने डैरन को इतना बड़ा ट्रायंगल इसलिए दिया है क्योंकि ये चलाता है मेरी फूड पैंट्री। बूम, कार्ट नंबर 1, कार्ट नंबर 2, ओप्स, अपने पिस्ते गिरा दिए तुमने। कार्ट नंबर 3, हमने शायद भरा है आधा % ट्रायंगल का। डैरन, तुम जितना चाहते हो उतना उठा लो, हम जा रहे हैं। अब हम एक गेम स्टॉप के अंदर हैं। अगर तुम फिट कर पाए ये पूरा स्टोर इस ट्रायंगल में, उसकी पेमेंट मैं करूंगा। मजाक है क्या? मुझे लगता है ये काफी आसान। अगर तुम मेरे साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पहले इन सबको वहाँ रख देते हैं और फिर हम प्लान बनाएंगे, ठीक है? रुको रुको रुको, हम उस सर्कल में नहीं रख सकते। ये ट्रायंगल है। मैं कभी ज्योमेट्री में पास नहीं हुआ। चलना अगर नहीं नहीं अगर कुछ भी लाइन पर लगा ये हार जाएंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कल कोई बात नहीं। ज़ेलस, यहाँ आओ दोस्त। क्या हो एक्चुअली? क्या मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय, आई लव यू गाइस। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं दोस्त। इस बार हमारे साथ हैं दो बंदे, जो चाहे ले लो। क्या ये शेल्फ सेल के लिए है? इस शेल्फ पर हम रख सकते हैं सारे छोटे आइटम्स। ये लोग इतने सीरियस थे जीतने के लिए कि इन्होंने मेजरिंग टेप यूज किया ट्रायंगल के डायमेंशंस को मेजर करने के लिए, और फिर मेजर किया बॉक्सेस के डायमेंशंस को ताकि वो उसे परफेक्टली फिट कर सके। हमारे पास अब ज्यादा जगह नहीं है, तीन और गेम ले आओ। हमें इनमें से कुछ चीजें उस तरफ लेनी होंगी। तुम्हें क्या लगता है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? हमने इसे मेजर किया है, वर्टिकली मेजर किया है और एक के ऊपर एक रख दिया है। हमने लाइन क्रॉस कर ली है, अब नीचे रख दो। तुमने बड़े बॉक्सेस को रखा है, तुमने उसके बीच की जगह को पूरी तरह से भर दिया है और फिर भी अभी तक आधा स्टोर बाकी है। अब यहाँ से कहाँ जाओगे? ऊपर। सच में ये क्रेजीएस्ट चीज है जिसे मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, और फनी पार्ट ये है कि अभी भी इनका बहुत सा सामान बाकी है। क्या हमें यहाँ से ऊपर जाना जरूरी है? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नीचे नहीं रख सकते। मुझे कभी फनको पॉप्स पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे इनसे नफरत हो गई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जब तुम ये ऊपर रख रहे थे तब ये फनको हिलने लगा था। हाँ, यही वही, एग्जैक्टली वही हिल रहा था। यहाँ इस वक्त सारी चीजें गिर सकती हैं और उसके बाद मैं रोने लग जाऊंगा। ओह गॉश, यहाँ बची है 1 इंच से भी कम जगह इस ट्रायंगल को छूने में, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। ये फिट हो सकता है, लेकिन फिट होने के लिए इसे जमीन से स्लाइड करना पड़ेगा और ये ट्रायंगल को टच कर लेगा। तो उसे वहाँ नहीं रखेंगे? हाँ, ये बहुत हो रहा है। अब ये लोग क्रैक्स के बीच में सामान घुसा रहे हैं, यानी दो बॉक्सेस के बीच में। गाइस, 10 आइटम्स अभी भी बचे। मैं इतना टेंशन में हूँ इस वक्त। मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ इनके लिए। चलो इसे करते हैं। नहीं, ये रुको, ये स्ट्रेट नहीं है। रुक जाओ, मुझे दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो और मुझे ये पसंद है। क्या तुम उस ट्रायंगल को थोड़ा और बड़ा नहीं कर सकते? क्यों, फिर मजा थोड़ी आता है। ठीक है, तो हम इसी का इंतजार कर रहे थे। ये है सारा सामान, सबके सब एक साथ छोड़ देंगे, ठीक है? 3, 2, 1 छोड़ दो। अब कोई नहीं छुएगा इसे। कंग्रेचुलेशंस, कर दिया। ओह माय गॉड, कुछ भी टच नहीं हो रहा है। तुमने क्यों लिया? पता नहीं तुमने भी ऐसे किया। आज पूरे दिन में क्या किया? मैंने लंच किया, मैं गेम शॉप गया और मैं पूरी गेम शॉप जीत गया। ये अब तक ऊपर कैसे रुका हुआ है? पता, मैं ये गेम स्टॉप तीसरी बार खरीद रहा हूँ। फिस्ट बम्प बनता है।
आप सोच रहे होंगे कि ये कार डीलरशिप के सामने इतना बड़ा ट्रायंगल क्या कर रहा है। वेल, ये जितनी कार्स उस ट्रायंगल में फिट कर पाएंगी मैं उसके लिए पे करूंगा। बस ध्यान रहे, अगर किसी कार ने उस रेड लाइन को टच किया तो आप हार जाएंगी। इसीलिए हम लेकर आए हैं ये बोर्ड ताकि कार्स लाइन के ऊपर से आ सके। चलो तुम दोनों हो बोर्ड गाइड। अच्छा आइडिया है। नहीं लगता काल ये तिरछा है, तुम नहीं चाहते ये कुछ कार्स जीते? चलिए जितना सीधा हो सके उतना सीधा रखो। ठीक है। ओह बढ़िया, बिना टच किए पहली कार ट्रायंगल में आ गई है। क्या बात है, शर्ली सच में एक स्वीट लेडी लग रही हैं। इसलिए मैंने और मेरे बॉयज ने पूरी कोशिश की ताकि वो जीत सके। अब अगली कार की बारी। अरे आराम से, आराम से, रुको। ओके, थोड़ा सा आगे आओ। आइए, बढ़िया। क्या बात है। और कार्स आ रही है, और कार्स। तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ। ओह बाल बाल बचे। ओह बहुत क्लोज था, काफी करीब था। ये परफेक्ट था। आ जाइए, चलो आइए आइए। मुझे तो ठीक लग रहा है। हाँ बढ़िया। हाँ, okay, सही ठीक तो है। बैक व्हील्स, क्या बात है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही लग रहा है। सही सही सही, बिल्कुल सही, सही है। एक और बात, नहीं नहीं आप सही कर रहे हो। इन्होंने कर लिए हैं $1,00,000 इस ट्रायंगल में जमा। मैं सीरियस हूँ। हाँ। okay, अगर तुमने उन्हें हरा दिया okay. तो तुम एक बूढ़ी औरत को रुलाओगे और इसका पूरा ब्लेम दूंगा नोलन को। क्या मैं ही क्यों? अगली कार उन्होंने अब तक की सबसे बड़ी कार चुनी है। हमें केयरफुल रहना होगा, ये दिखने में आसान है पर अगर चूक हो गई तो ये सब चला जाएगा। ठीक है, करते हैं। Hey, don't worry, आप ये कर सकती हैं, ठीक है? मुझे डरा दिया। Oh God! बढ़िया, आते जाओ, सही है। अब बस पिछले पहिये बचे हैं, बैक व्हील्स। मुझे और मत डराओ। चलो चलो, आगे बढ़ो। ठीक है। कर दिखाया। बस हिलिए मत, यही रुकिए। अब आपके पास है 5 कार्स इस ट्रायंगल में 1,00,000 से ज्यादा कीमत की। एक और लाना चाहेंगे या बस करें? नहीं इतना बस हुआ। कंग्रेचुलेशन, आप इन कारों का क्या करेंगी? कोई भी कार चुन सकती हूँ। ये पांचों कार्स आपकी हैं। क्या कहा? पता नहीं क्यों लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं हुआ कि उन्हें 5 कार्स मिलने वाली हैं। कारण जो भी हो उन्हें लगा उन्हें बस मिलने वाली है एक कार, जबकि ट्रायंगल में 5 कार्स हैं। एक मिनट, तुम कह रहे हो कि सारी कार्स मेरी है? हाँ। ओह माय गॉड, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ओके, अब हम भी रो रहे हैं। ठीक है, शांत हो जाओ शर्ली। ऐसे मोमेंट्स की वजह से ही मुझे लोगों को चीजें बांटना पसंद है। सिर्फ इस फुटेज को दोबारा देखने से ही मेरे दिल को सुकून मिला है। 5 कार्स का क्या करूंगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये है डायनो। अगर ये सक्सेसफुली प्लेन से जंप करेगा, वो भी 1,000 फुट ऊपर हवा से, और लैंड करेगा इस रेड ट्रायंगल में, तो मैं इसे दूंगा $20,000। और क्योंकि मुझे पता है कि तरीक को ऊंचाई से डर लगता है, तो मैंने उसे ऑफर किए $20,000 ऊपर जाकर साथ में स्काई डाइव करने के लिए। मेरे लिए ये आसान है, तो इन्हें बोलो अकेले कूद जाए। ठीक है, करता हूँ, चलो चलते हैं। फिक्र मत करो तारिक, तुम्हारी याद में मैं इसे संभाल कर रखूंगा, ठीक है? भूलना मत, अगर तारिक भी कूदा तो तुम्हें मिलेंगे और $20,000। तुम उसके साथ जाओ या प्लेन के बाहर अकेले जाओ, बाहर तो तुम जाओगे। Oh my gosh. हम कितने ऊपर है? 10,000 फीट। Oh my God. तो हम चले। ट्रायंगल, मैं ये करके ही रहूंगा यार, मैं वो पैसे जीतूंगा। तैयार हो? अब क्योंकि उन्होंने प्लेन से जंप कर लिया है तो हमें यहाँ से हटना चाहिए, शायद जाना चलो, चाहिए। चलो, चलो, चलो। All right, वो आ रहा है, आ रहा है। ओह 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 ओह, बहुत बढ़िया, वो ब्रेक सही टाइम पर नहीं लगा यार। ग्रेट, जरा फुटेज प्ले करो। तुमने लैंड किया ट्रायंगल में, फिर से वहां जाओ, और मैं जितना जानता हूँ ये यहाँ से गया ही नहीं। बढ़िया। अरे रुको, तरीक कहाँ है? ये तो पागलपन है। Let's go baby, तुमने बहुत अच्छा किया। इन्होंने लैंड किया ट्रायंगल में और जीते हैं $20,000। और क्योंकि तुमने भी जंप किया, इन्हें मिलते हैं $40,000। तुमने कभी 40,000 कैश देखा था? अब कहाँ खर्च करोगे इन्हें? मुझे भी नहीं पता। ठीक है, जब तक ये फिगर आउट करते हैं हम जाकर डैरन को चेक करते हैं। कैशियर के हिसाब से अब तक तुमने खर्च किए हैं $25,000। मैंने तुम्हें दिया था इतना बड़ा ट्रायंगल और तुमने खर्च किए सिर्फ 25,000। ऐसा क्यों? मैं पैलेट्स यूज करूं? हाँ, कुछ पैलेट्स ले आओ, उसे इस ट्रायंगल में रख दो, मैं जा रहा हूँ पैसे बांटने। हमें खिलाने के लिए खाने की जरूरत है। नील, इस ब्लैक ब्लैंकेट के नीचे है एक ट्रायंगल, और जो भी तुम फिट करोगे उस ट्रायंगल में उसके पैसे मैं दूंगा। ये एक बड़ा काला टार्प है। ये एक बड़ा ब्लैक टार्प है, यहाँ पर नहीं है कोई की इंडिकेटर। एनीवेज, उठा लो जो उठा सकते हो। ये वाले हैं $2,000। यही तो चाहिए। $400 का सुप्रीम फन। मेरे हाथों में लगभग $5,000 का सामान है। टेबल पर रख दो। तुम कॉन्फिडेंट हो जो भी ट्रायंगल यहाँ है ये उसमें फिट हो जाएंगे? नहीं नहीं होंगे। बेसबॉल बैट,
हम शायद इसे किनारे पर अड़ा सकते हैं ना? मुझे नहीं लगता ये फिट होगा, इसे साइड में रखते हैं। जो भी तुमने यहाँ रखा है उसे रखना होगा ट्रायंगल में। अगर वो फिट नहीं हुआ तो उसे लौटाना पड़ेगा। कुछ सामान लौटाना पड़ेगा। वापस रख दो ना बेसबॉल बैट का, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो तुम लौटा रहे हो ये सारे शूज? अगर लगता है तो। मुझे नहीं लगता। तो फिर वक्त आ गया है ट्रायंगल दिखाने का। वो पल जिसका तुम्हें इंतजार था। ये मजेदार है। अब मेरा ट्रायंगल दिखाओ। ओके, तो अब रिवील करते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं सारा सामान इसमें रख सकता हूं। सॉरी, ये है मेरा पिज्जा बॉक्स, मैंने गलती से यहाँ छोड़ दिया था। क्या तुम्हें लगा ये था वो ट्रायंगल? मैंने यहाँ जानबूझकर नहीं रखा था ताकि ये खर्च ना कर दे ज्यादा पैसे, क्योंकि ये दुकान भरी है मिलियन डॉलर से। यहाँ पर नहीं है कोई की इंडिकेटर। मैं फिर भी ये गेम खेलूंगा जबकि इसे खेलने की जरूरत नहीं है। मैं तो डर ही गया था। आराम से, ठीक है, रखो। अरे बाप रे, तुम यहाँ हाथ नहीं लगा सकते। तुम्हारी उंगली ने उसे बचा लिया। You're welcome. मैं अपना बैट रख सकता था, बस एक उसी चीज के लिए बुरा लग रहा है। ओके, कंग्रेचुलेशंस, तुमने सब कुछ फिट कर दिया। कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू दोस्तों सब चीजों के लिए, ये ऑसम है। बैग में सामान रखने वाले टिप के लिए थैंक यू, इसकी जरूरत थी स्ट्रैंगल में फिट करने के लिए। हर चीज के लिए शुक्रिया। और अब है बारी तुम लोगों की, क्रिस। मैं चाहता हूँ कि तुम छुप जाओ कहीं दूर। जो भी तुम फिट कर पाए इस ट्रायंगल में, क्रिस उसके पैसे देगा। लेकिन जब तुम्हारा खत्म होगा हम ये सब निकाल देंगे, और जो भी क्रिस फिट करेगा इस ट्रायंगल में तुम उसके लिए पे करोगे। तुम्हें लगता है क्रिस सस्ते में जाने देगा? जाने देगा, पर मैं बहुत महंगा पड़ूंगा। तुम लोग बस इतना याद रखना कि वो बीवी बच्चे वाला आदमी है, ठीक है। अलेक्जेंडर मैक्वीन, मैं ये ले रहा हूँ। ये चीज क्यों? ये है सुप्रीम वीटीज। तुम चाहते हो क्रिस इसके पैसे भरे? चाहते हो क्रिस इसके पैसे भरे? ये उसके बच्चे के लिए है। लेकिन ये तुम्हारे लिए है। ओ, मैं ये रख सकता हूँ? हाँ। ओ, लेकिन क्रिस करेगा सेम थिंग। ओ यार, ये रखो। क्रिस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुम ये क्यों कर रहे हो? महंगा ये बहुत। पता है वो मुझे छोड़ेगा नहीं। वाह, तुम तो क्रिस को सस्ते पड़ोगे। मजाक कर रहा हूँ, क्रिस पक्का तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्रिस होने वाला है मैड। बहुत ज्यादा। कितना हुआ टोटल? $6,574.45। क्रिस तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, भाग जाओ यहाँ से। क्रिस, चैंडलर ने भरा था ये ट्रायंगल जिसके पैसे तुम्हें देने हैं, जिसे हमने छिपाया है। अब हम तुम्हें वही करने का मौका देंगे चैंडलर के साथ। उसने कितने खर्च किए? तुम्हें क्या लगता है कितने किए होंगे? लगभग 4,000। 4,000 तक दोस्त खर्च कर सकता है? तो कितना किया? ओके, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जितना मैंने बताया उससे कम है या ज्यादा? नहीं देने वाले हैं कोई है। बताओ ना, ज्यादा है क्या? हम बस कहेंगे जाओ चीजें उठाओ और इस ट्रायंगल में लगाओ। चलते वो ले लो यार। मैंने इसे पहले ही साइड में रखवा दिया था ये वीडियो शुरू होने से पहले। मुझे लगा मैं इसे खरीदूंगा, लेकिन अब चैंडलर मेरे लिए खरीदेगा। मस्ती के लिए तुम ये ब्रिक खरीदो जिसकी वजह से चैंडलर हारा था। इसने सिर्फ उसे हराया नहीं था, इसकी वजह से वो $100 एक्स्ट्रा खर्च करेगा। लेट्स गो। अगर चैंडलर ने कुछ भी नहीं डाला इस ट्रायंगल में तो, या सिर्फ एक ही जोड़ी शूज खरीदे हो तो? शायद मुझे एक बड़ा बुक बैग लेना चाहिए था। तुम ये क्यों कर रहे हो यार? तुम लोग तैयार हो? हाँ, ठीक है। और जरा बताइए कितने हुए इसके खरीदे हुए सामान के? $4,558.18। मैंने अभी अभी $4,000 की फ्रेंडशिप लिमिट तोड़ दी है। सॉरी चैंडलर। चैंडलर खड़ा है अपने खरीदे हुए सामान के सामने, क्रिस खड़ा है अपने खरीदे हुए सामान के सामने। चलो हटाओ आंखों से पट्टियां। लगभग बराबर ही है। क्या तुमने भी $4,000 ही खर्च किए? अरे ये क्या, नहीं। मैंने तुम्हारी दूसरी साइड देखी नहीं। क्रिस, तुम्हें भरने हैं $6,500 इसके सामान के लिए, और चैंडलर तुम्हें भरने हैं $4,500 इसके सामान के लिए। पर फ्रेंडशिप लिमिट तो $4,000 की थी ना। तुम्हें देने $6,500, तुम्हें देने $4,500। अब गले मिलो। जब तक तुम लोग पैसे भर रहे हो हम जा रहे हैं अगली जगह पर। ये है हैदर, और ये काम करती है बच्चों के हॉस्पिटल में। जो भी तुम यहाँ फिट कर पाओगी पैसे मैं दूंगा ताकि डोनेट कर सके। टॉयज़, मुझे नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं। असेंबली लाइन, वो चलो। बच्चे ये सब देखेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी, ये बहुत ही कूल होगा। डायनासोर्स, ओके। हमने साथ ही खरीदे हैं कुछ प्लेस्टेशन 5 बच्चों के लिए। मुझे लगता है ये काफी है। हम करेंगे चेकआउट और इसे ले जाएंगे हॉस्पिटल में। हमने किया चेकआउट, इसे ले गए यू हॉल तक, और सब कुछ लेकर गए लोकल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। वहाँ बैठे बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए जब उन्हें ये सब मिला, और मैं मदद कर पाया इसलिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। कार्ल, क्या तुम्हें याद है गेम स्टॉप जहाँ तुमने ये किया था? हाँ, ये तो कल ही हुआ था मेरे साथ। उसकी वजह से ये हार गया गेम स्टॉप। शायद तुम्हें पता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ आगे। मैंने रखा है ये व्हाइट बोर्ड। ये एक्सपो मार्कर तो नहीं, ये ट्रायंगल है। Zealist, जो भी तुम इस ओवल में रखोगे उसके पैसे मैं दूंगा। चलो चुराते हैं कार्ल के घर का सामान। हे ब्रो ब्रो ब्रो, क्या अगर तुम्हें चाहिए प्लेस्टेशन तो उठाओ कंट्रोलर। देखो इसके पास है एक और PS5। ये मेरा सीक्रेट वाला है। ये टेंशन वाला काम है। जिमी, इस पावर ग्लव्स को पकड़ना तो। हाँ। सॉरी, ये मिनी फ्रिज है। ये मेरा मॉन्स्टर फ्रिज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कुछ गिरेगा नहीं। आराम से रखना। हाँ हाँ हाँ। यकीन नहीं हो रहा ये काम कर गया? अब वो क्या है,
बहुत क्यूट है। इन्होंने लिए गेमिंग कॉन्सोल्स और उस पर टीवी रख दिया। ये लोग सीरियस हैं। रॉबिंग कॉल, रॉबिंग कॉल। ठीक, अपने हाथ पीछे लो। सही है, ये सब बैलेंस कर रहा है दो प्लेस्टेशन 5 पर। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी है। कंग्रेचुलेशंस इस सारे सामान के लिए। और कार्ल, तुम्हारे लिए इस सामान का रेप्लिका खरीदूंगा। तो फिर ले जाओ। मैं खरीदूंगा रेप्लिका कार्ल के लिए अगले बिट। और क्या हो रहा है डैरन? ये क्या है, यहाँ हर तरफ खाना है। मुझे लगता है 12 घंटे हो चुके हैं, मुझे तो अब पता भी नहीं कितने। अच्छा। लेकिन मैंने पूरी जान लगा दी इसे करने में। आपकी दरिया दिली के आसपास मैच भी नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से तुम्हें इस ट्रायंगल को निकाल कर रख देना चाहिए था सैम के चारों ओर। ये काफी आसान होता। तुम रख पाए हो बहुत सा खाना इस ट्रायंगल में। कट टू द ड्रोन शॉट, चलो देखते हैं कितना हुआ। और अब वक्त आ गया है सच्चाई का। बफी, कितना हुआ डैमेज, कितने खर्चे डैरन ने? $82,058। तुम $100,000 के ऊपर भी नहीं जा पाए। मैंने पूरी कोशिश की यार। जेन्युइनली थैंक यू सो मच इतनी लेट तक रुकने के लिए। हाथ मिलाइए। हाँ? मैं बहुत आभारी। आपकी मदद करके अच्छा लगा।